जय समंद रूट पे है, डाया डैम है छोटा सा उसके बगल में। ये देखो चाय की दुकान लकड़ी की, बहुत शानदार चाय बनाते हैं भैया हमारे। 2010 से मैं यहाँ से गुजरता हूँ, बहुत बार साइकिल से भी गया हूँ मैं, 75 किलोमीटर जाना 75 आना। बहुत शानदार बनाते चाय लकड़ी पे, चूल्हे की चाय। न्यूली बॉर्न बेबी, पेड़ कितना शानदार, बहुत मन भाग रहा हो, जिंदगी में तनाव हो, तो ऐसे जो विशाल पेड़ होते हैं उनके नीचे आके बैठे और उनसे अपनी चेतना को एकाकार करने की कोशिश करें। ये तीर में तुक्का नहीं, बाकी जो बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं एक प्रकार से वो सिद्ध अवस्था में होते हैं और आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे उनसे, आप खुद आजमा सकते हैं, यू कैन फील योर सेल्फ। जैसमन लैक, ये ऊपर राजा लोगों का, राजा महाराजा आते थे तो यहाँ इनका ठहरते थे शिकार के लिए, वो ऊपर उधर भी बना हुआ है। और ये बीच में एक टापू है, वो आगे जो होटल दिख रही हो, और यहाँ से उदयपुर सिटी के लिए पेयजल यहीं से, पानी यहीं से, बड़े जो पाइप बीच में आपने देखे हैं वो सब पानी यहीं से जाता है, बोटिंग भी होती है यहाँ। जैसमन लेक, ये ऊपर राजा महाराजाओं का, इधर गर्मियों के समय इधर आ जाते थे कभी कभी। वो हमारे मित्र देखो नीचे चले गए, जैसमन झील। और झील के पास ही बहुत ही खूबसूरत सिस्टमेटिक गार्डन है, और ये पूरा जो है एक प्रकार से दीवार है, ये जो छोड़ा ये पूरी दीवार है। उस समय आप कल्पना कीजिए जब मशीनें वगैरह नहीं थी, हाथियों पे ऊंट गाड़ियों से लाए कितनी मिट्टी, ये पूरी वॉल है एक प्रकार से। ये ऊपर एक महल है जो जैव समंद के किनारे ही बना हुआ है। ये एक इधर आपको पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी और सामने एक उधर पहाड़ी है, वो दोनों पहाड़ियों के बीच में ये, और ये पूरी पाल है एक प्रकार से, ये पूरा पार्क और ऊपर जो एक पाल है, करोड़ों लाखों गाड़ियां हाथी और ऊंट से लाए होंगे, मिट्टी डाली होगी। आज तो मशीनें मौजूद हैं लेकिन उस समय कितना वो रहा होगा, और कितना शानदार यहाँ लग रहा है। अभी गर्मी का मौसम है और हम आए थे इधर जैसमंद, एक अंकल और हम दोनों पिछली बार आए थे तो हम इस पे ऊपर गए थे, लेकिन वो बारिश का मौसम था। बारिश में वापस हम आएंगे, बहुत शानदार वीडियो का बनाएंगे, तब जैसमन लेक भी काफ़ी कुछ भर जाती है। तो थैंक यू गार्डन, हमने लगभग 2 घंटे यहाँ बिताए छाया में, बहुत प्यारा लगा। और फिर हम पाल तरफ बढ़ते हैं ऊपर, जैसमन लेक। गर्मी के समय वन्य जीवों को कितना परखेर, यहाँ तो बंदरों को काफ़ी लोग खाने को देते हैं, वरना सूखे इलाकों में इतना परेशानी भरा रहता है इनका। उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर है ये, 60 किलोमीटर। काफ़ी पर्यटक वगैरह यहाँ आते हैं, और बरसात में तो भीड़ लगी रहती है तो काफ़ी वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। बहुत बड़े इलाके में जैसमन लेक आप सर्च कर सकते हैं, फैली हुई है।
जैसमंद वाइल्ड सेंचुरी भी पास में ही यहाँ पे। तो ये नीचे ज़मीन का लेवल है, ठीक है। जैसमंद का भी गहराई यही समझ सकते हैं आप, थोड़ी और ज़्यादा होगी। तो ये पूरा इतना ऊंचा दीवार बनाई गई है और चौड़ाई देख लीजिए, यहाँ से वो छतरी तक ये पूरी दीवार है चौड़ाई, और लंबाई दीवार की वो पहाड़ी से इस पहाड़ी के बीच में। तो आप कल्पना करिए उस ज़माने में जब मशीनें नहीं थी तो कितनी मिट्टी कैसे लाए होंगे और कितना श्रम किया गया। तो आज के जो हमारे शासक हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, इन सबको शिक्षा लेनी चाहिए पुराने राजाओं से, अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते थे। ये जैसमंद लेक इसका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जन सेवा कैसे की जाती है। राजा महाराजा राजस्थान के तमाम जगह के अच्छे अच्छे उन्होंने प्रजा के लिए कार्य किए। और जैसमंद झील आज भी ऐसी बड़ी झील बनाना एक सपना है, एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील।